नमस्कार, आज मैं आपका स्वागत करता हूं बी जेनरिक में। तो मैं अंकित सिंगला आज आपके लिए एक बहुत ही यूनिक कैटेगरी लेकर आया हूं, जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल चीज़ें विद लाइव एग्जांपल, आप अगर हिस्ट्री में उठाकर देखोगे उस एग्जांपल को, तो वो जीती जागती एग्जांपल है आप सबके लिए। आप एक ग्रुप को बहुत अच्छे से जानते हो, उस ग्रुप का मैं आपको डिस्कस करूंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा कि मोटिवेशन लेवल क्या होता है। अगर आप किसी मुसीबत में फंस गए हो, उसको निकलने का आसान रास्ता क्या है, उससे छुप जाना इज़ नॉट ए मोटिवेशन लेवल, उसको छोड़ देना इज़ नॉट अ सक्सेस। तो उसको सक्सेस और मोटिवेशन, ये दो चीजों को पैरेलल ज्वाइन करके अगर आप उस चीज को क्रॉस करोगे, उस चीजों को ऑब्टेन करोगे अपनी निजी लाइफ में, तो उस चीजों को हम मोटिवेशनल प्लस सक्सेस लेवल कहेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया आज हम बात करने वाले हैं मोटिवेशनल प्लस सक्सेस। तो सबसे पहले आपको एक मैं छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। स्टोरी है, आपने सबने नाम सुना हुआ है रिलायंस ग्रुप का, राइट? तो रिलायंस ग्रुप के जो फाउंडर चेयरमैन हैं उनका नाम है धीरू भाई अंबानी जी। तो उनकी स्टोरी के ऊपर एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है। एक बार क्या हुआ, धीरू भाई अंबानी जी अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ ट्रैवल कर रहे थे। ट्रैवल करते करते वो एक चाय के ठेले पर रुके, चाय के ठेले पर उन्होंने चाय पी और उसके बाद वो अपने डेस्टिनेशन की ओर दोबारा से रवाना हो गए। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठे, आफ्टर 50 किलोमीटर्स, तो उन्होंने देखा कि बारिश शुरू हो रही है। बारिश शुरू होते होते उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी थोड़ा सा ध्यान से चलाना। उसके बाद आगे चलते गए तो बारिश अपना रुख चेंज करके वो तूफान में बदल गई, तो उनका ड्राइवर डर गया। तो उसके बाद उन्होंने अपने ड्राइवर को आदेश दिया कि उस गाड़ी को धीरे धीरे से चलते जाओ। तो ड्राइवर बहुत डर रहा था क्योंकि गाड़ी वाइब्रेट भी कर रही थी, काम भी कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे तूफानी माहौल बन गया था, कुछ पहाड़ी इलाका भी था, तो ड्राइवर थोड़ा सा ज़्यादा डर रहा था। बट धीरू भाई जी ने कहा कि तुम धीरे धीरे चलते रहो। ड्राइवर ने उत्तर दिया कि सर, सारी जितनी भी रास्ते में गाड़ियां हैं वो सारी तूफान की वजह से रुक गई हैं, तो हमें भी रुक जाना चाहिए। तो धीरू भाई अंबानी जी ने कहा कि नहीं, हमें धीरे धीरे चलते रहना है, तुम अपनी गति बनाते रहो। ड्राइवर ने फिर से पूछा कि सर, मैं चल तो रहा हूं बट मुझे आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कहते कोई बात नहीं, तुम फिर भी धीरे धीरे चलते जाओ, हम लोग कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे। ऐसे ही करते 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 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर निकल गए और आगे जाके धीरू भाई अंबानी जी और उनकी गाड़ी को बहुत ही चमचमाती हुई धूप मिली। तूफान खत्म हो चुका था, बारिश थम चुकी थी और धूप मिली। तो धीरू भाई अंबानी जी ने कहा अपने ड्राइवर से कि देखा, अगर हम उन गाड़ियों के जो पीछे रुक गई हैं उनके साथ रुक जाते तो हम कभी भी इस धूप को नहीं देख पाते। हो सकता है वो तूफान अगले 4-5-6 या हो सकता है 2-4 दिन भी वैसे ही चलता रहता, बट हम लोग उसको क्रॉस करके आगे निकल गए, इसलिए हमें देखो धूप मिली है चमचमाती और कोई ऐसा खतरा नहीं मिला। तो जिंदगी में सबसे पहला आप एक चीज को ध्यान में रख लीजिए कि कभी भी किसी चीज से घबराना नहीं है। कितनी भी मुसीबत आए, कितना भी प्रॉब्लम हो, कितना भी आपके ऊपर प्रेशर आए, उस चीज़ को धीरे 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 करके निकलते रहना है, कभी भी उस चीज़ में नहीं एंगेज होना है। तो मोटिवेशन प्लस सक्सेस, इसमें क्या हमें इसमें मॉरल मिला? मॉरल यही है कि मोटिवेशन कैसे, कि चाहे उनको तूफान मिला, चाहे वो बारिश मिली, वो धीरे धीरे चलते गए। इसलिए आपको हर काम स्लोली स्लोली चलते रहना है। जैसे आपने एक पहले कहावत सुनी थी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो कछुए और अपने खरगोश की भी यही कहानी है। तो आपको धीरे धीरे चलते रहना है और आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने की सक्सेस जरूर मिलेगी ही। आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक वर्ड लिखिएगा जिसका नाम है सक्सेस, SUCCESS, SUCCESS सक्सेस लिख के मुझे बताइए, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपने ये वीडियो अभी लास्ट तक देखी है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।